दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो लोग आईटीआई कर लिए हैं। तो वैसे स्टूडेंट के लिए जो आज यहाँ पर एलिम्को के द्वारा यहाँ पे जो अप्रेंटिसशिप के रिक्रूटमेंट निकल गई है उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और जो भी कैंडिडेट अगर इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बगल का बेल का आइकन दिख रहा होगा उसको भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या ली जा रही है, और किस ट्रेड में कितनी सारी रिक्रूटमेंट जो आज यहाँ पर सहायक उत्पादन केंद्र एलिम्को के द्वारा यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के लिए आपको निकाली गई है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो बताई गई कि अप्रेंटिसशिप एक्ट अंतर्गत आईटीआई प्रशिक्षु की नियुक्ति हेतु अधिसूचना। तो यहाँ पे आपको जो आपका ट्रेड आपको दिए गए हैं, फिटर, कॉपर, टर्नर, मैकेनिस्ट, वेल्डर, ये सब आपको यहाँ पे ट्रेड दिए गए हैं जो कि आपको यहाँ पे अप्रेंटिसशिप करवाई जाएगी। एक साल के लिए जो है आपके यहाँ पे अप्रेंटिसशिप करवाई जाएगी। तो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि आपको रखी गई है 24 अगस्त, इसका अंतिम तिथि रखी गई है। तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है इसमें जाकर जो आप अधिक जानकारी ले सकते हैं, अगर इसके लिए अगर लेना चाहे तो। नीचे में देख सकते हैं कि जो एलिम्को के द्वारा यहाँ पे जो विषय आपको जो ट्रेड आपको दी गई है, ट्रेड अप्रेंटिसशिप एक्स आईटीआई के लिए एक वर्ष अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो यहाँ पर एक वर्ष के लिए जो है अप्रेंटिसशिप करवाई जाएगी, जो कि आपका एलिम्को के द्वारा यहाँ पर जो है अप्रेंटिसशिप करवाई जाएगी। वैसे स्टूडेंट अगर आप जो आईटीआई कर लिए हैं, अगर आप जो है अप्रेंटिसशिप लेना चाहते हैं तो अगर आप बिल्कुल ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो उम्मीदवार के लिए जो आपका यहाँ पे मात्र आप जो मापदंड आपको रखी गई है, तो उम्मीदवार को एक भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्मीदवार को दिनांक 24/8/2020 तक जो है न्यूनतम वर्ष आपका जो है 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए, तभी आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपने आईटीआई किसी भी गैर तकनीकी या फिर तकनीकी किसी भी अगर इंस्टीट्यूशन से अगर आपने आईटीआई कर रखी हैं तो आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं एनसीवीटी के द्वारा, अगर आप किए होंगे तो ही। ठीक है, तो अगर आप जो है इससे पहले आप कहीं भी अप्रेंटिसशिप ले चुके हैं, जो कि आपका अप्रेंटिसशिप का जो पंजीकृत है उसके द्वारा अगर आपने कभी पे ले चुके हैं तो इसके लिए आप पात्र नहीं हैं, इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। एक वर्ष या उससे अधिक का कार्यान्वयन रखने वाले उम्मीदवार आवेदन करने हेतु पात्र नहीं हैं। तो जो लोग यहाँ पर एक वर्ष से अधिक यहाँ पर अगर आप जो है अप्रेंटिसशिप ले चुके हैं तो वैसे स्टूडेंट भी जो है इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीदवार के पास जो आयकर विभाग यानी कि जो भारत सरकार द्वारा जो जारी होता है पैन कार्ड आपको आवश्यक हो यहाँ पे बोला गया, तो अगर आपके पास पैन कार्ड होगा तो ही आप जो है इसके लिए आवेदन कीजिएगा। एंड जो कोपा के लिए यहाँ पर जो बोला गया, कोपा में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एनसीवीटी द्वारा जारी होना चाहिए। तो अगर आप कोपा से अप्लाई करते हैं तो एनसीवीटी के द्वारा यहाँ पर जारी होना चाहिए। चयनित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण जो है एक वर्ष के अवधि के लिए आपको रखी जाएगी। तो जो चयन की प्रक्रिया आपको यहाँ पे रखी गई है, तो आपका जो मैट्रिक में जो आपका परसेंटेज आए होंगे एंड जो आईटीआई में जो आपका परसेंटेज आए होंगे उसके अनुसार आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मैट्रिक से जो है आपको 70% का आपको यहाँ पर दी जा रही है, एंड आईटीआई वाले मार्क्स से जो 30% के अनुसार आपको यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद आपका यहाँ पर सिलेक्शन ली जा रही है। ठीक है, नीचे में बात करें तो नीचे में आपको यहाँ पे कैसे इस फॉर्म के लिए आवेदन करना है उसके बारे में आपको यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो बोला गया कि संस्थान में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि, तो 24/8/2020 इसका अंतिम तिथि रखी गई, जो कि आवेदन प्रारूप एलिम्को की जो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है इसमें जाकर जो है आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसी में आपका एड्रेस दिया गया है कि कहाँ से आपको भेजना है। ठीक है, स्पीड पोस्ट के द्वारा जो है इसका फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख पाओगे जो नोट में यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है, आवेदन पत्र कार्य दिवस में नियम में स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक द्वारा ही स्वीकार किए जाएंगे। तो स्पीड पोस्ट या फिर जो रजिस्टर्ड डाक होता है निबंधन नक, उसके द्वारा ही जो है इसका पत्र जो है आपको यहाँ पे स्वीकार किए जाएंगे। कोई भी आवेदन निगम से हस्त यानी कि हैंड बाई हैंड के द्वारा अगर आप इसमें जमा करते हैं उसके कार्यालय में तो उसको जो है स्वीकार नहीं की जाएगी। तो सबसे फर्स्ट आपका इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है इसमें आपको जाना है। उसके बाद इसका जो ऑफिशियल जो फॉर्मेट होगा एप्लीकेशन का फॉर्मेट उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको पूरी डिटेल्स आपको अच्छी तरह से फिल कर लेना है, और इसी में आपको एड्रेस आपको दी गई होगी कि कहाँ पे आपको जो है रजिस्टर कर आपका स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजना है, तो वहाँ से जो है आप देख करके भेज सकते हैं। उम्मीदवारों के लिए सामान्य निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि यहाँ पर बोलेगी कि आवेदनकर्ताओं की सलाह दी जाती है कि अप्रेंटिसशिप पोर्टल apprenticeship.org पर एक अप्रेंटिसशिप के रूप में पंजीकरण कराएं, उसके संख्या को आवेदन फॉर्म में अवश्य दर्शाएं। तो जो लोग अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो अप्रेंटिसशिप की जो एक ऑफिशियल पोर्टल होती है सबसे पहले उसमें आपको जो है रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद ही जो है इसके लिए आवेदन कीजिएगा। उसमें जो आपका पंजीकरण जो नंबर आपको मिलेगा उसको भी जो है आपको वहाँ पर फॉर्म में आपको फिलअप करना है। ठीक है, फॉर्म में आपको जो है भरना है, आपको पहले जो है इसमें आपको अप्रेंटिसशिप रजिस्टर कर लेना है।
ठीक है। इसमें आपको जो है अच्छी खासी आपको जो है स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाएगी आईटीआई वालों के लिए। एंड आगे में जो बोला गया कि उम्मीदवार अपना कोई मूल प्रमाण पत्र संलग्न ना करें, उम्मीदवार आवेदन पत्र एवं संलग्न प्रमाण पत्रों पर हस्ताक्षर अवश्य करें। तो जो भी अगर आप डॉक्यूमेंट्स देते हैं उसमें आप अवश्य से हस्ताक्षर कर लीजिएगा। एंड आगे में यहाँ पे जो बोलेगी कि एलिम्को के किसी पोर्टल यानी कि विलंब, गलत डिलीवरी या फिर पोस्टल ट्रांजिट में गुम हो जाने के कारण आवेदन पत्र प्राप्त ना होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। तो यहाँ पे आप किसी भी स्पीड पोस्ट के द्वारा अगर आप इसमें भेजते हैं तो अगर आपका गुम हो जाता है, किसी तरह से वहाँ नहीं पहुँचता है, तो इसके लिए जो एलिम को किसी तरह की जिम्मेवारी नहीं ले रही, इसके बारे में यहाँ पे मेंशन की गई है। तो प्रशिक्षण लेने वाले उम्मीदवारों को जो है अप्रेंटिसशिप अधिनियम के अनुसार निर्धारित स्टाइपेंड यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो जो लोग यहाँ पे अप्रेंटिसशिप आईटीआई के तहत आपको दी जाती है उसके अनुसार आपको यहाँ पे दी जाएगी। तो जो लोग यहाँ पे सिलेक्टेड होते हैं, यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट में जो लोग जो उम्मीदवार के यहाँ पे जो है आप नाम यहाँ पे आता है, उसके लिए जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे ले जा रहे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो हाई स्कूल का आपका प्रमाण पत्र, जो कि परीक्षा का अंक मार्कशीट एंड आरक्षित श्रेणी किस कैटेगरी से आते हैं, आईटीआई के प्रत्येक सेमेस्टर का अंक एवं समेकित अंक पत्र एंड प्रोविजनल ट्रेड प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ये सब पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको दिए गए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको ली जाएगी। एंड नीचे में आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो यहाँ पे कॉपा के लिए कितने सारे रिक्रूटमेंट है, जो कि एक वर्ष के लिए पूरी यहाँ पे ड्यूरेशंस आपको रखी गई है। आप यहाँ से कुल भी देख सकते हैं कि कॉपा के लिए 3 सीटें यहाँ पे बताई गई हैं। एंड शैक्षणिक योग्यता 10+2 के साथ यहाँ पे विज्ञान यहाँ पे बोला गया है, एंड गणित एंड 10वीं के साथ यहाँ पे आईटीआई यहाँ पे बोला गया है। फिटर के लिए 10+2 यहाँ पे बोला गया है। एंड टर्नर के लिए भी देख सकते हैं कि टोटल रिक्रूटमेंट यहाँ पे 3 है, मैकेनिस्ट के लिए भी 1 है, वेल्डर के लिए 1 है। एंड कुल यहाँ पे बात करें तो जो कुल यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकालेगी 10 यहाँ पे निकालेगी अप्रेंटिसशिप के लिए, जो कि यहाँ पे जो ट्रेड वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की गई है। तो आप किस ट्रेड से अप्लाई करना चाहते हैं उसके अनुसार यहाँ से जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो है अप्लीकेशन का फॉर्मेट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपको पंजीकरण आप कीजिएगा, रजिस्टर कीजिएगा, उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। उम्मीदवार जो आपका नाम होगा आपको यहाँ पर फिल करना है, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, आप किस यहाँ पे आधार प्रमाण पत्र, आपको यहाँ पे हाल का फोटो आपको यहाँ पे चिपकाएं। ठीक है, ये सब पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे भर लेना है। उसके बाद वहाँ से आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है उसमें जाकर जहाँ पे एड्रेस दी होगी उसमें जो आप स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक के द्वारा जो है आप भेज करके अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो। ठीक है,